मुंबई की सत्र अदालत ने शक्ति मिल्स में फोटो पत्रकार के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में नए अभियोग के तहत तीनों आरोपियों को दोषी पाया। अदालत सजा का ऐलान कल कर सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नर्सरी में दाखिलों पर स्थगनादेश हटाया, प्रवेश फिर से शुरू करने का आदेश। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केएस राव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। वे आंध्र प्रदेश के विभाजन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से नाराज थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज बिहार के सासाराम में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने यूपीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और बिहार सरकार की आलोचना की। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद में लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में भाजपा ही केंद्र में दे सकती है सशक्त शासन। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को गैस के दाम बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने किसानों के मुद्दों को समाजवादी पार्टी के चुनावी एजेंडे का प्रमुख मुद्दा बताया। उन्होंने मोदी की लहर को सिरे से नकारा। मेनका गांधी ने अपने बेटे वरुण को दी नसीहत, कहा बिना कुछ देखे सुने ना करे किसी के काम के बारे में टिप्पणी। गौरतलब है कि सुल्तानपुर से भाजपा के उम्मीदवार वरुण गांधी ने अमेठी में राहुल के काम की थी तारीफ। गौतम बुद्ध नगर से कांग्रेस उम्मीदवार रमेश चंद्र तोमर ने आज फिर भाजपा का दामन थामा। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पार्टी में हुए शामिल। उन्होंने कहा कि वे पहले भी भाजपा में रह चुके हैं और उनकी एक बार फिर घर वापसी हुई है। गुजरात में भाजपा के नेता बाबूभाई बोखीरिया को सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली। शीर्ष अदालत ने कांग्रेसी नेता रहे मुल्लू मोडवाड़े की हत्या मामले में समन करने के आदेश को किया खारिज। सहारा समूह ने आज सर्वोच्च न्यायालय के सामने सहारा प्रमुख सुब्रत राय और उनके दो निदेशकों की जमानत के लिए तुरंत 10,000 करोड़ रुपए जमा करने में असमर्थता व्यक्त की। कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक नया प्रस्ताव रखा जिसमें सेबी में तत्काल 2500 करोड़ रुपए जमा करवाने और अगले 2500 करोड़ रुपए सुब्रत राय की जमानत के 21 दिन के बाद जमा कराने की बात कही है। देशद्रोह के मुकदमे का सामना कर रहे पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ आज एक शक्तिशाली बम हमले में बाल बाल बचे। शहर के बाहरी इलाके में उनके फार्म हाउस के निकट उनका काफिला गुजरने के बाद सड़क पर हुआ विस्फोट। T20 विश्व कप में कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा मुकाबला। भारतीय स्पिनरों के फार्म में होने से टीम को मिली है मजबूती।